तो कुछ इस तरह से मेरा भी बिस्तरा लग चुका है। और अच्छा ठीक चुपे हैं, बैठो। पहला सारा सामान भी पैक हो चुका है। फिर आज के व्लॉग की भी शुरुआत हो रही है दोपहर से, लगभग आज भी 2 बजने को जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा रास्ता भी खराब है, यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का क्या पूरा संभल करके ड्राइव करने की जरूरत है। आ चुका हूँ एक अच्छी और पक्की सड़क में, आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। मैं निकल पड़ा हूँ अपना सारा सामान बोरिया बिस्तरा लेकर के, क्योंकि मेरा सुबह और शाम को कुछ पता नहीं है, कहाँ सुबह होगी कहाँ शाम होगी। अभी फिलहाल तो मैं हरिद्वार में ही हूँ। एक्चुअली यार हरिद्वार में ना बहुत कुछ है देखने और दिखाने के लिए, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 दिन मेरे लग जाएंगे। आज की राइड कहाँ से कहाँ तक की होती है अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। चलो देखते हैं आगे आगे। ये हरिद्वार के सिटकुल में ड्राइव करते करते कितना समय हो गया, काफ़ी देर हो गई है यार, मैं सिटकुल से बाहर ही ना निकल पा रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी से सिटकुल से बाहर निकलते हैं। जाते जाते मैं सोच रहा हूँ यार, क्यों ना यार हरिद्वार आया हूँ ना, गुरुकुल कागड़ी म्यूजियम भी होकर के आऊँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, गुरुकुल कागड़ी दिखा रहा है अभी मैंने गूगल मैप लगाया, उसमें 3 किलोमीटर। तो चलो कोशिश करते हैं गुरुकुल कागड़ी म्यूजियम भी आप लोगों को दिखाएं और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें। गुरुकुल कागड़ी सम विश्वविद्यालय यानी म्यूजियम के बाहर तो मैं पहुँच गया हूँ, पर सर जी बता रहे हैं आज छुट्टी है। आज वैसे छुट्टी हॉलीडे है या मतलब बंद हो गया अभी? आज हॉलीडे है तो अंदर अभी जाने की परमिशन नहीं है। फिर उधर क्या क्या चीज़ें हैं म्यूजियम में अगर कैमरा अलाउड नहीं है तो? सारी चीज़ें ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह कितने बजे से खुलता है? 10 बजे खुलता है सुबह। और शाम को कितने बजे तक? 5 बजे। संडे ऑफ रहता होगा? संडे ऑफ। अच्छा, मुझे पता चला कि हरिद्वार में 7 ऋषि आश्रम यानी सप्तऋषि आश्रम भी है। अब है देखो, अगर ऊपर वाले की इच्छा रहेगी तो सप्तऋषि आश्रम भी आपको जरूर दिखाएंगे। एंड चलो चलते हैं पहले हम दक्ष प्रजापति मंदिर की ओर। तो दोस्तों ये है प्रेम नगर आश्रम चौक, और यहाँ से मुझे राइट जाना है और राइट से लेफ्ट जाना है। गाड़ी को मैंने सामने पार कर दिया, फिर चलो मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते भी हैं, कराते भी हैं। और हनुमान जी के तो पहले ही दर्शन हो गए। जय बजरंगबली। मंदिर में दर्शन भी हो चुके हैं और आप लोगों को भी थोड़ा दर्शन कराए, फिर चलो थोड़ा बहुत जानते हैं मंदिर के बारे में, जिसे कि यार भगवान भोलेनाथ का ससुराल भूमि भी माना जाता है। और यह देवेश्वर श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल तीर्थ पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की कर्म भूमि तथा दोस्तों तपोभूमि, दक्ष पुत्री सती की जन्मभूमि एवं देवेश्वर महादेव का ससुराल भी है। और दुनिया के सभी शक्तिपीठ इन्हीं सती को जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन से छिन्न भिन्न किया था ना, तब इस स्थान पर उनके शरीर के भाग तथा इस स्थान पर उनके आभूषण गिरे, और जिन्हें इन शक्तिपीठों एवं शक्तिपीठों के रूप में जाना जाने लगा। और साथ में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के साथ साथ और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर विद्यमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में ही बहती है माँ गंगा की अविरल धारा, और सामने आप देख रहे हैं बरगद का इतना बड़ा सा पेड़। चलो माँ गंगा के भी आपको दर्शन करा ही देते हैं एक बार पुनः। और इसके जस्ट पास में ही है श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर, ये आप देखिए। और यहीं पर एक पीपल का पेड़ भी है और साथ में एक बरगद का पेड़ भी है इतना बड़ा सा। और बगल से बह रही पतित पावनी माँ गंगा की अविरल धारा। अचानक की मौसम खराब होता हुआ, तेज तेज हवाएं चल रही हैं, देखो आसमान से बारिश की बूंदें भी गिरने लगी हैं। और देखो ये ओसेट नो, अभी तो यार मुझे यहाँ से शांति कुंज तक जाना था पर बारिश आ चुकी है और तेज तेज हवाएं चल रही हैं। आप पता नहीं देखो क्या होता है, जरा हल्की हल्की बारिश में चले जाना चाहिए, फिर पता चला बारिश भी और ज़्यादा तेज हो गई ना। शांति गेट, चलो अंदर तो प्रवेश करते ही करते हैं। सर अंदर जाना है? अंदर यहाँ से एंट्री नहीं है, 5 नंबर गेट से। कहाँ? हाईवे हरिद्वार वाली रोड पे। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, आई डोंट नो। आ जा
नमस्कार दादा, दर्शन भी करने और शाम को स्टे भी करना है, रुकना भी है शाम को। गाड़ी वहाँ पर आपने पार्किंग करके वहाँ पर आपने चलो गाड़ी को यहाँ पर करते हैं पार्क। एंट्री होती है ना पहले, तो फाइनली मैंने शांति कुंज में गेट नंबर 5 से अंदर एंट्री ली है। फिर ये मेरा बना है वाहन पास, तो जाते समय यानी गाड़ी यहाँ पर पार्क करेगी तो जाते समय ये पास जमा हो जाएगा। और फाइनली चलो अपना सारा सामान लेकर के चलते हैं रूम पे। तो सारा सामान निकाल दिया फिर गाड़ी से, चलो हैंडल लॉक चेक कर लेते हैं। फाइनली गाड़ी यहाँ पर सेफ है, अब चलते हैं। तो जो पूरा भवन दिख रहा है ना, ये सारी एरिया जो भी एरिया दिख रही है, मतलब पूरी एरिया जो है शांति कुंज की है। अभी भी मैं गेट नंबर 5 से आया हूँ और मुझे पता नहीं है कि शांति कुंज में कितने गेट हैं। अब चलो आगे आगे पता चल ही जाएगा। फिर सबसे पहले तो देखते हैं कि यार रहने के लिए मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आई होप कि मिल ही जाएगा, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, अब तो बोला ही नहीं जा रहा, अजीब सा लग रहा है गले में। तो चलते हैं रिसेप्शन में, और कितना स्वच्छ लिखा देखो, स्वागत कक्ष। ये सबसे पहले शांति कुंज में एक फार्म मिलता है कि जिसमें हम अपनी डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि हम कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने का क्या रीज़न है, रुकने का क्या रीज़न है, तो सब कुछ इसमें फिल करना होता है। चलो मैं जल्दी जल्दी पूरे फार्म को फिल करके जमा करता हूँ। जब फार्म पूरी तरह से सबमिट हो जाता है फिर जिस तरह से पर्ची मिलेगी जिसमें आपका पूरा सब कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ रूम की ओर, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ पर चले जाओ। अब देखो रूम ढूंढते हैं पहले, तो आई थिंक मेरे हिसाब से रूम तो नहीं, बेड मिलेगा इसमें, क्योंकि लिखा हुआ नचिकेता बेड। तो ये रहा, थोड़ा बाहर तक आया था लेकिन देखो कितनी तेज की बारिश आ गई है, बस बाहर ही फंस गया हूँ। अभी कमरा तो मिला नहीं है अभी, देखो अगर कमरा नहीं मिलेगा तो कैंपिंग ही कर लेंगे, यहीं पर टेंट लगा लेंगे, पर अभी कुछ फिक्स नहीं है। देखो अभी तक रूम मिला नहीं है, फिर यहीं बाहर पे चारपाई लगी हुई है, तो चारपाई पे लेटा हूँ। देखते हैं रूम कितनी देर में मिलता है, अभी फ़िलहाल वेट करने के लिए बुलाया है, थोड़ी देर यहाँ पे वेट ही करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए लंगर में, शाम का खाना जो है यहाँ पे लंगर में मिलता है। अब देखो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, और अभी तक रूम भी नहीं मिला है। अब देखो अगर रूम नहीं मिलेगा तो फिर तो यार कैंपिंग ही करनी पड़ेगी। चलो देखो फिर क्या होता है, यहाँ सब अंधेरा अंधेरा हो रहा है गली में अभी। ये लंगर किस समय किस साइड लगता है, लंगर यहाँ से चले जाऊँ यहाँ से? अच्छा ठीक, बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा मैं आपको शांति कुंज अगले वाले ब्लॉग में। लेकिन आज तो यहाँ आते आते अंधेरा हो गया था, जूते चप्पल बाहर उतारने का, बाहर वैसे स्टैंड भी है और यहाँ पर हैंड वॉश होगा, और यहाँ से थालियाँ लेनी है। पहुँच चुका हूँ लंगर एरिया में, ये देखिए आप, यहाँ पर कुछ इस तरह से चलता है लंगर शांति कुंज हरिद्वार में। चलो यहाँ पर सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे हैं फिर, और मैं भी बैठ चुका हूँ। अब पहले भोजन करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो बाहर एक बार और चालू हो चुकी है मूसलाधार बारिश, तो इस बारिश में मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। लाल अंकल आंटी भी यहीं पर सो गए हैं, दो भैया हैं वो भी यहाँ पर सो गए हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ यार यहीं पर ना अपना बिस्तरा लगा दूँ। एक्चुअली गद्दा लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर काफ़ी तेज़ की बारिश लग रही है तो बाहर भी नहीं जा सकता। मैं सोच रहा हूँ जो मेरे पास मैट है ना उसी मैट को बिछा करके सो जाता हूँ। तो चलो यहाँ पर टेंट भी नहीं लगा सकता क्योंकि ना देखो एरिया बहुत कम है यहाँ पे, और यहाँ से रास्ता भी है जाने का। चलो यहाँ पर मैट बिछाते हैं और सोने का बंदोबस्त देखते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा भी बिस्तरा लग चुका है, और बाहर बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या है ना कि यार कभी कभी कुछ इस तरह से भी दिन निकालने पड़ते हैं। तो ये देखिए आप, सामने गलियारा है, ये भी, इधर भी और इधर भी। एंड अब मैं यहाँ पर सो जाऊँगा फिर आराम से ऐसे करके। आय हाय हाय, ऊपर देखो फैन भी नहीं आज तो शायद आप मच्छर करने वाले हैं हंगामा। ऊपर से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड आई होप गैस आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जो ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बिना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल एक और नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।